हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शेफ जीकेबी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शेफ इंटरव्यू। अगर आप कम ही लेवल के हो और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपका दिल में ऐसा लग रहा होगा कि क्या क्या सवाल मेरे को पूछने वाले हैं। तो मैं इसको आसान बनाने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ 3 टिप्स। फर्स्ट है पर्सनल, सेकेंड है टेक्निकल और थर्ड है फूड ट्रायल। आइए हम शुरू करते हैं पर्सनल से। पर्सनल मतलब आपके बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में कुछ बताइए। आप उसमें आपका नाम, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपने जो भी डिग्रियां हासिल किया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आप उसमें बता सकते हैं। सेकेंड है टेक्निकल। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो, जैसा कि कंट्री, इंडियन, चाइनीज, आप जो भी डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो, उसके बारे में आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडियन में जा रहे हो, तो आपको पूछ सकते हैं कि बटर चिकन कैसे बनाते हैं या चिकन टिक्का मसाला कैसे बनता है। और चाइनीज में जाते हो, तो आपको पूछ सकते हैं कि मंचूरियन कैसे बनाते हैं, सॉसेस का नाम बताइए, ये आपको बोल सकते हैं। और आप कंट्री में जाते हो, तो आपको ये सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पास्ता कैसे बनाते हैं, कि आपको सॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, कुछ नाम बताइए डिशेज का, आपको ये सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जो भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। हमारा लास्ट है फूड ट्रायल। फूड ट्रायल एक शेफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको, अगर आप कमी लेवल में जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा खाना बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर आपको एक एक डिश भी बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप जो खाना अच्छे से बना सकते हो, जो खाना आपका बेहतरीन है, वो खाना आपको बना के प्रेजेंट करना है। अगर आप ये 3 चीज़ फॉलो करते हैं, तो आपका इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको इसके लिए थोड़ा होमवर्क करना होगा। फर्स्ट है आपका पर्सनल, सेकेंड है टेक्निकल और थर्ड है फूड ट्रायल। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।